क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3.8.13.18 इज 78। कह रहा इनमें से कौन सा टर्म जो है वो 78 है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि इस एपी में कौन सा टर्म जो है वो है 78। पहले तो क्वेश्चन 4 को लगाते हैं, फिर 5 को डिस्कस करेंगे। एपी हमारे पास में गिवन है 3.8.13.18, ठीक है, इज 78, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, खराब क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, खराब नहीं, अच्छा क्वेश्चन। आइए, फर्स्ट टर्म ए वन है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये एनथ टर्म, ठीक। अपने को इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन की वैल्यू बताओ, यानी ऑर्डर बताओ, क्यों जो 78 है वो कितने नंबर पे आएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग तो नंबर हो रहा, कितने नंबर पे आएगा ये अपने को चेक करना, यानी लास्ट टर्म दे दिया, एन की वैल्यू निकालना है। तो ए ऑलवेज इक्वल टू ए वन कितना होगा भाई, 3, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ए टू माइनस ए वन करने से काम बन जाएगा, 8 माइनस 3 तो क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। और ए एन अपने पास में दिया गया है 78, ठीक है, चलिए ठीक, आगे भी चलते हैं। फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, 78 ए एन है, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, प्लस एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस अपने पास में है 5, 3 को इधर लेके आओ, 78 माइनस 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आओ, इज इक्वल टू, अच्छा नहीं रहने दो, हो गया जल्दबाजी कर रहे, 5 इंटू एन माइनस 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 75, ठीक है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड में ले आओ, एन माइनस वन आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25, तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो 15 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन, यानी कि एन की वैल्यू कितना आया, एन कितना है 16, जो 78 है वो 16वें नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, 16 नंबर पे आ रहा है। ऑर्डर क्या है 78 का, 16 है, ऑर्डर क्या है 16 है, ठीक है, 16th टर्म, ठीक है। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज़। सिमिलर, कितना टर्म है जो हमारे पास में क्वेश्चन 5 गिवन है, ये अपने को कैलकुलेट करना। फर्स्ट पार्ट करते हैं, एपीज दिया गया है, कह रहा कितना इसमें टर्म है, तो 7.13.19 अप टू 205, 205, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने को करना है कि नंबर को इंडिकेट करो, ए वन ए टू ए थ्री और यह है ए एन, ठीक है, ये जब इंडिकेट कर दिया उसके बाद में जो जो वैल्यू है उसको लिखो, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन होगा, ए टू है 13 माइनस 7, सबट्रैक्ट करोगे 6 आ जाएगा, डी आ गया। ए एन आपको पता है कितना है 205, एन आपको नहीं पता है कितना है भाई, नहीं पता है, निकालना है, पता होता तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछता, ठीक। आगे में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए एन है 205, ए कितना है तो 7 है, प्लस एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा, डी हमने कैलकुलेट किया 6, 7 को इधर लाओ, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करो 198, 6 डिवाइड में लिया, ले आया n माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। 2 से कट करते हैं पहले यार, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2, 9 जा और 2 3 जा था ना, ये 3 1 जा 3 यानी 33 आ जाएगा,
एल माइनस वन इज इक्वल टू 33, एल की वैल्यू निकालने जाएंगे 33 प्लस वन, ठीक है। तो फाइनली इधर लिख देता हूँ, ठीक है, एन इज इक्वल टू कितना जाएगा 34, ठीक है। 205 का जो पोजीशन है, ऑर्डर है, वो कितना है 34 है, ठीक है, कितना है 34 है, ठीक है। और इसी का सेकंड पार्ट अगर कर दे हम यहां से लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, बीज बीज ना लगे, ठीक। तो सेकंड पार्ट कर देते हैं, इसमें भी हमें बताना 47 का पोजीशन, कोई बात नहीं। एपी इज गिवन है, एपी इज गिवन है 18, 15 इंटू 1/2 कॉमा -13 अप टू कहां तक जाना है, -47 तक। ए एन 1, 2, 3, ए थ्री, ए टू और ए वन। फर्स्ट टर्म तो आप ऐसे लिख लोगे, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही लिख लोगे ना, ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक, और यहां पे भी सोल्यूशन हम कर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिख लोगे, 18 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, ए टू माइनस ए वन एक साथ में कर दूंगा, तो कॉमन डिफरेंस ए टू देखो 15 इंटू 1/2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस 18। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, 31 को कॉपी कर लो, 2 1 2, 1 से मल्टीप्लाई 31 को करेंगे 31 आएगा, ठीक है। और 18 2 36, जैसे घटाओगे यार -5/2 आ जाएंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ए एन आपको पता है कितना, -47। निकालना क्या है, एन निकालना है, ये अपने को निकालना है, ठीक। चलो निकालते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, -47 है ए एन, ए को मैं इधर ले आया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलो नहीं ला रहे हैं, रहने दो, 18 प्लस एन माइनस वन डी कितना है, -5/2। 18 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, -47 -18 इज इक्वल टू प्लस माइनस -5/2 इंटू एन माइनस वन, ठीक। ऐड करो 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी रहा 1 4 5 और 1 6 65 -65 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू -5 एन माइनस वन, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे रहने दो, नहीं कर रहे, -65 इंटू 2 और 5 डिवाइड में ले आते हैं, -5 के साथ में ले आते हैं एन माइनस वन, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 1 5 5 3 15, ठीक है। तो 13 इंटू 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन, मल्टीप्लाई करोगे 26 माइनस प्लस वन, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 27 इज इक्वल टू एन। तो जो -47 का पोजीशन है वो कितना है, कितने नंबर पे आ रहा है, 27 पे, यानी कि जो n की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, कॉपी कीजिए।